इस विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है। जिमनी चोण के लिए सुखबीर सिंह बादल नूं चोट नहीं मिली। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहना है कि तनखा पूरी करन तक तनखाइया ही रहिंदा है। अगला फैसला पंज सिंह साहिबान की बैठक के लवेंगे। दिवाली तो बाद होगी सिंह साहिबान की बैठक। ये भी वड्डी जानकारी दी गई है क्योंकि लगातार सारिया दी नज़र सिंह साहिबान से टिकिया हुई सन, क्योंकि कल श्रोमणी अकाली दल के वफद के वलों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह मुलाकात की गई। सियासी सरगर्मियों को लेकर चोट की मांग की गई, पर इस विचाले वड्डी खबर है कि जिमनी चोण के लिए सुखबीर सिंह बादल में चोट नहीं दिती गई। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह का वड्डा बयान सामने आया। उनका कहना है कि तनखा पूरी करन तक तनखाइया ही रहिंदा है। अगला फैसला पंज सिंह साहिबाना की बैठक के लिया जाएगा। दिवाली तो बाद सिंह साहिबान की बैठक होगी। ये भी वड्डी जानकारी जो कि दी गई है ज्ञानी रघबीर सिंह के वल्लों कि दिवाली तो बाद सिंह साहिबान की बैठक होगी। तो इस तो यह कहा जा सकता है कि हुण संभावना बहुत घट रह जाती है कि सुखबीर सिंह बादल खुद गिदड़बाह के मैदान के नितरनगे, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहना है कि तनखा पूरी करन तक तनखाइया रहिंदा है, क्योंकि 30 अगस्त में सुखबीर सिंह बादल नूं श्री अकाल तख्त साहब के वलों पंज सिंह साहिबाना के वलों तनखाइया करार दिता गया है। इस दे विचाले कल ही श्रोमणी अकाली दल के वफद के वलों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के नाल जो कि मुलाकात की जाती है, सियासी सरगर्मियों को लेकर चोट मंगी जाती है, पर यह चोट नहीं मिली। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के वलों जानकारी सांझी की गई है। वड्डा बयान दिता गया, उन्होंने कहना है कि तनखा पूरी करन तक तनखाइया रहिंदा है। अगला फैसला पंज सिंह साहिबाना की बैठक में लिया जाएगा। दिवाली तो बाद सिंह साहिबाना की बैठक होगी। हाँ, रात सरदार बरिंदर सिंह जी भुंदड़ जो कार्यकारी प्रधान ने अकाली दल के, उन्होंने अगवाई 7 मैंबर वफद मिलने वास्ते आया से। उन्होंने अपनी गल जी रखी है, फैसला राखवा रखा गया कुछ समय बाद मीटिंग होगी। जब मीटिंग होगी, मीटिंग सारा जरा विचार की जाएगी की करना की नहीं करना। सिंह साहब, ये सवाल है कि जो तनखाइया करार किया जाए कि उसको राहत मिलती है या जो जेल की सजा ही सुनाई जाती है तनखाई? देखो, तनखाइए की एक परिभाषा होंगी है और उस चीज़ को परिभाषित करना जरा बड़ा हर एक सिख वास्ते बड़ा जरूरी होंगे कि जेकर सिख तनखाई है तो वो मुताबिक जोड़ा वो चले, जब तक वो फसील तो सिंह साहबान तो तनखा नहीं लवा लेंदा, तनखा पूरी नहीं कर लेंदा लगी हुई तनखा, उन्ना चर वो तनखाइया रहिंदा है, उन्ना चर बख्शिया नहीं जाता। तो बीबी जगीर कौर दे उत्ते ते बाकी बीजेपी आम आदमी पार्टी से भी सवाल खड़े हुए हैं कि वह दबाव बना रहे मैंबरों से कि चोन इजलास में लैके खरीदे जाने मैंबर। देखो, ये तो हमेशा ही जो कोई चोन होंगी है हर साल ये गल जी उठदिया ने, सरकारों को वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साड़ी एक अपनी बड़ी शहीदों की जथेबंदी है, साड़ी अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वड्डी एक संस्था है और वो काम च सरकारों बिल्कुल दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपने तरीके काम कर देना चाहिए। सिंह साहब की मीटिंग कदों होगी? बस विचार रहे हैं, दिवाली तो बाद कुछ टाइम देख के। इस खबर से होर जरा जानकारी लिए साडे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। राजीव, वड्डा बयान दिता गया श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के वालों की तनखा पूरी करन तक कोई तनखाइया रहिंदा है, की कोई जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि कल जब अकाली दल का एक वफद जिहड़ा मुलाकात करने के लिए पहुंचता है डॉक्टर दलजीत चीमा, उस तो बाद मीडिया के नाल गलबात करते हैं, तो उन्होंने जदों ये गल कही कि असी सुखबीर सिंह बादल के बिहाफ से सिंह साहब को मिलने के लिए पहुंचे हैं और असी ये मांग की है कि गिदड़बाह तो इलावा चार होर जिहड़ियां कुल जिमनी चोणां पंजाब दे विच जिथे हो रही ने, तो उत्थे अकाली वर्करां दी ये भारी मंग है कि सुखबीर सिंह बादल नूं जो है जिहड़ी तनखा लगाई गई है अकाल तख्त साहिब वल्लों तां उस दे विच इक छोड़ दित्ती जावे। हालांकि इस चीज़ नूं लैके एक कल तो ही चर्चा हो रही थी कि अजिहा हुण तक कदे नहीं होया कि जिस शख्स नूं तनखाइया करार दिता गया होवे तां उस नूं कोई रियायत दित्ती जावे, तां अज अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने खुद यह स्पष्ट किया है कि जदों तक किसी भी सिख नूं जिसनूं तनखाइया करार दे दिता जांदा तां जदों तक उसकी तनखाह पूरी नहीं होंगी, यानी कि जिहड़ी अगे धार्मिक सज़ा सुनाई जाएगी जदों तक वह मुकम्मल नहीं होंगी उदों तक वह शख्स तनखाइया ही जो है वह घोषित रहिंदा है। तो इस करके बड़ी वड्डी इस वेले की यह खबर है, क्योंकि सियासी और पंथक गलियारों के इस चीज़ को लैके बहुत चर्चा कल तो ही छिड़ी हुई है जदों अकाली दल के कार्यकारी प्रधान बलविंदर सिंह भुंदड़ और 7 मैंबरी जिहड़ा डेलीगेशन है वह आके अकाल तख्त साहब के जथेदार मिलता है। पर सब तो हैरानी की
गल ये कि डॉक्टर दलजीत चीमा ने गल कही कि असी अपने वालों एक मंग लैके आए हैं, असी एक अपील की है जथेदार साहब न, अगे जो भी उन्होंने हुक्म होएगा वह भी सिर मत्थे होएगा, यही गल कहते नजर आए थी। तो हूँ स्पष्ट कर दिया गया है अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों के जी तनखाह लगाई गई थी, जदों तक माफ करना जरा हाँ तनखाही करार दिता गया, जदों तक सुखबीर सिंह बादल अपनी तनखाह पूरी नहीं करते। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि हाले जी धार्मिक सजा है वो सुनाई जानी है, तो जदों तक वो सजा मुकम्मल नहीं होंगी उदों तक सुखबीर सिंह बादल तनखाइया ही जो है करार रहणगे। तो इस करके असं कह सकते हैं कि अकाली दल वास्ते एक बहुत बड़ा झटका भी है कि जिस तरीके उन्होंने वालों एक मंग रखी गई थी कि सुखबीर सिंह बादल नूं पंथक जिहड़े सियासी समागम ने उन्हां दे विच विचरण की एक जिहड़ी छोट है वह दिती जाए, तो हुण असीं कह सकते हैं कि जिहड़ियां क्यास रहीआं या जिहड़ियां चर्चावां सी कि गिदड़बाह तों सुखबीर बादल उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इन सवालों के उत्ते जथेदार साहब के इस बयान ने असीं कह सकते हैं कि विराम जो है वह लगा के रख दिता है। जी हाँ बिल्कुल, राजीव सिंह साहब के वल्लों स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि सुखबीर सिंह बादल तनखाइया ने तो इस दे विचाले ये तो हुण बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि सुखबीर सिंह बादल खुद गिदड़बाह के मैदान के विच नहीं नितरनगे। हुण ये भी वड्डा सवाल है कि सुखबीर सिंह बादल ने तो फिर गिदड़बाह तो आखिरकार कौन मैदान के विच नितरेगा। उत्थे राजीव ये भी वड्डी जानकारी कि अज अकाली दल के पार्लीमेंट्री बोर्ड की जी कि अहम मीटिंग होने जा रही है, तो हुण स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मन्निया जाए कि अज चारे सीटां ते उम्मीदवारां नूं लैके कोई फैसला पार्टी वल्लों लै लिया जाएगा। देखो हुण सवाल सब तो वड्डा यह है कि कल जिहड़े अकाली दल दे आगू पहुंचे सी क्योंकि कल कोर कमेटी की मीटिंग हुंदी है, उस तो बाद तुरंत यह हो सकता कि मीटिंग दे विच ही चर्चा हुई होवे कि इस बारे एक अपील जिहड़ी आ उह करके देखनी चाहीदी है। हालांकि पहलां तो ये लग रहा सी कि जथेदार साहब वल्लों इस तरीके की कोई छोट नहीं दिती जाएगी क्योंकि हुण तक पहलां कदे अजिहा होया भी नहीं है कि किसी नूं तनखाइया करार दिता गया होवे और उस वल्लों कोई खास रियायत की मांग की गई होवे, तो इस करके ये लग नहीं रहा कि मर्यादा के अनुसार ऐसी कोई छूट दी जा सकती है। तो कल तो एक चर्चा ये जरूर छिड़ी सी क्योंकि समा बहुत घट है, हाले नामजदगियां दाखिल होनिया ने, उस तो बाद चोणां दे विच भी बहुत घट समा बचिया, तो अकाली दल ने किते ना किते ये मंग रख के असी कह सकते हैं कि जेकर हुण जथेदार वल्लों इजाजत नहीं दी गई उन्हां वल्लों स्पष्ट ही कर दिता गया, तो हुण ये भी देखण वाली गल होएगी कि चारे जिमनी चोणां दे लई अकाली दल अपने उम्मीदवार उतारता भी है या नहीं, ये भी एक हुण वड्डा सस्पेंस बनिया होया क्योंकि अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वल्लों तां सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सुखबीर बादल नूं किसी तरह की कोई रियायत जी नहीं दी जा सकती। ठीक है राजीव, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सुखबीर सिंह बादल के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रणबीर सिंह वल्लों वड्डा बयान दिता गया, उन्होंने कहना है कि तनखाह पूरी करन तक तनखाइया रहिंदा, अगला फैसला पंज सिंह साहिबान की बैठक में लिया जाएगा। दिवाली तो बाद सिंह साहिबान की बैठक होगी, तो उस बयान तो बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया कि हुण बहुत ही घट संभावना बाकी बचती है कि सुखबीर सिंह बादल खुद गिदड़बाह के मैदान के विच नितरनगे। हाँ रात सरदार गुरिंदर सिंह जी भूंदड़ जो कार्यकारी प्रधान ने अकाली दल के उन्होंने अगवाई सत मैंबरी वफद मिलने वास्ते आया से, उन्होंने अपनी गल जी सी रखी है। देखो तनखाई दी एक परिभाषा हुंदी है और उस चीज़ नूं परिभाषित करना जिहड़ा बड़ा हर एक सिख वास्ते बड़ा जरूरी हुंदा है कि जेकर सिख तनखाई है तां उहदे मुताबिक जिहड़ा वो चले जब तक वो फसील तो सिंह साहबान तो तनखाह नहीं लवा लेंदा, तनखाह पूरी नहीं कर लेंदा लगी हुई तनखाह, उन्ना चिर वो तनखाही रहिंदा है उन्ना चिर बख्शिया नहीं जाता। तो बीबी जगीर कौर दे उत्ते ते बाकी बीजेपी ते आम आदमी पार्टी ते भी सवाल खड़े हुए हैं कि वो दबाव बना रहे हैं मैंबरां ते कि चोण इजलास नूं लैके खरीदे जाण मैंबर। देखो ये तो हमेशा ही जो कोई चोण होंगी है हर साल ये गल जड़ियाँ उठदियाँ ने, सरकारों वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साड़ी एक अपनी बड़ी शहीदों की गत्थेबंदी है, साड़ी अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वड्डी एक संस्था है और वो काम च सरकारों ने बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने अपने तरीके काम कर देना चाहिए। सिंह साहब की मीटिंग कदों होगी? बस विचार रहे हैं दिवाली तो बाद।